दोस्तों, अगर आप भी शेफाली वर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की महिला टीम और इंग्लैंड की महिला टीम के बीच में चल रहे वनडे सीरीज आज अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच में इस सीरीज का तीसरा मैच वोर्स्टर मैदान पर खेला जाएगा और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, मिताली राज के तूफान से भारतीय टीम इंग्लैंड के परखच्चे उड़ाकर अपनी इज्जत को बचाएगी और पिछले दो वनडे मैचों में हार का बदला लेकर इस मैच में क्लीन स्वीप होने से बचेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ भारत को पहले मैच में 8 विकेट से हार मिली, जबकि दूसरे मैच में भी उसने बल्ला और गेंद दोनों से संघर्ष किया। कप्तान मिताली राज, जिन्होंने दोनों मैचों में अर्धशतक लगाए, उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। हालांकि शेफाली वर्मा ने दूसरे मैच में कुछ योगदान दिया था, जबकि सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना दोनों मैचों में प्रभाव डालने में नाकाम रही। भारतीय महिला टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय हरमनप्रीत कौर की खराब फॉर्म है। वो दोनों मैचों में रन बनाने में नाकाम रही, जो टीम का बड़ा स्कोर नहीं कर पाने का एक अहम कारण है। भारतीय महिला गेंदबाजों को भी संघर्ष करना पड़ रहा है। भारतीय गेंदबाज जहां पहले मैच में पूरी तरह से असफल रहे, तो वहीं दूसरे मैच में इंग्लिश टीम की आधी टीम को पवेलियन भेजा था, लेकिन सोफी डंकली ने पारी को संभाल लिया। और अब आपको बता दें कि ये तीसरा मैच आज 3:30 बजे से शुरू हो चुका है। अगर आप सभी इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो आप भी सोनी लिव के एप्लीकेशन और सोनी 10 के चैनल नंबर पर आप इसका आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम सभी को उम्मीद है कि एक बार फिर से शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना आते ही भारत को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे। दोस्तों, 17 साल की शेफाली वर्मा ने विमेंस क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में दोनों ही पारियों में अर्धशतक जड़े थे और उन्हें इन्हीं पारी की बदौलत विमेन क्रिकेट का सहवाग भी कहा जाने लगा। और आज के मैच में उनसे फिर उम्मीद होगी कि एक बार फिर से वो अपना शानदार प्रदर्शन दिखाएं और भारतीय टीम को इस मैच में जीत दिलवाकर बदनामी से बचाएं। दोस्तों, भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा सरदर्द हरमनप्रीत कौर की खराब फॉर्म ही बना हुआ है। उन्होंने हाल फिलहाल में एक भी अच्छी पारी नहीं खेली है, उसके लिए भारतीय टीम लगातार मैच हार रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरमनप्रीत कौर एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में 171 रनों की पारी खेली थी, परंतु हाल फिलहाल में उनके बल्ले से एक भी अच्छी पारी नहीं निकली है। आज इस मैच में उम्मीद करेंगे कि हरमनप्रीत कौर भी शानदार प्रदर्शन करें। बात करें अगर स्मृति मंधाना की, तो बता दें कि पहले दोनों मैचों में स्मृति का बल्ला कुछ खास नहीं चला। उन्होंने अच्छी शुरुआत तो दिलाई, लेकिन अपने स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सकी। आज स्मृति मंधाना भी एक जबरदस्त पारी खेलेंगे, ऐसा सभी का मानना है। और बता दें कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की तो वो कुछ इस प्रकार हो सकती है। ओपनिंग करेंगे स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा, मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे जेमी माह, रॉड्रिक्स, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा। विकेट कीपिंग करेंगी तानिया भाटिया, ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगी स्नेहा राणा और झूलन गोस्वामी। गेंदबाजी की कमान रहेगी शिखा पांडे और पूनम यादव के हाथों में। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को देखते हुए आप सभी को क्या लगता है कि आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर इंग्लैंड? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।